हाँ जी, तो खानपुर डैम हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, माशाल्लाह से क्या व्यू आ रहा है यार, कसम से। लेकिन इस साइड से नहीं हमने जाना, हमने दूसरी साइड से जाना है। तो अब हम दूसरी साइड पे घूम के जाएंगे। वो थोड़ा सा आगे जाके 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आगे जाके। Count 3, 2, 1, go. Oh, nice jump, yaar. This guy is good. Excellent, Abdullah. What a jump, man. Nice one. तो यार भाई ने ओनर से बात किया, उन्होंने कहने लेते हैं 3,000 रुपये में हमारा डन करा दिया। अब हम जा रहे हैं पैरा साइकिलिंग के लिए। वाह भैया, मज़ा आ जाना एकदम। भाई फॉर्म फिल कर रहा है कि भाई कोई नुकसान जिम्मेदार हो गया तो हम फिर जिम्मेदार हैं। इदारा जिम्मेदार नहीं है। शेख साहब, हाइट फोबिया तो नहीं है? नहीं। इस बंदे को वाटर फोबिया तो है, जैसे आपने क्लिप्स में देख लिया है। तो अभी पता नहीं है, हाइट में जाके तो पता लग गया जी, ए मेरे नीचे उतारो, नीचे उतारो। या उस बंदे की तरह के वो जो बड़ी क्लिप वायरल हुई थी, गालियाँ मैं दे नहीं सकता। तो ये भी भाई साहब माशाल्लाह से ऊपर जाए गालियाँ दे रहे हैं। तो भाई पैरा साइकिलिंग का हमारा ओके हो गया है। अली भाई वो जा रहे हैं अभी, उनकी हमने टेक ऑफ की तो बना नहीं सके, उनकी लैंडिंग की बना लेंगे। तो इसके बाद अवैस भाई जाएंगे, फिर उसके बाद एंड में मैं आ जाऊँगा। कैमरे वाला जो है ना, पैसे नहीं काम कर रहा, नहीं तो GoPro मैं ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि मोबाइल का ही कह रहे हैं खतरा है, मोबाइल गिर गया तो बस खत्म। तो वरना मैंने GoPro ले जाना था, फिर आप लैंडिंग की और टेक ऑफ की बनेगी। बना रहे हो वीडियो? हाँ जी। अब ये वैस भी जा रहे हैं, वैस भी अली वाली को मैं चला जाऊँगा। अभी भाई को समझा रहे हैं, लेकिन हालांकि पहले भाई ने की हुई है। ओ, ये गया। भाई बस अली भाई भी आने वाले हैं, अवैस भाई तो चले गए हैं। इसके बाद अपना कोई सीन बनेगा। मैं तो टूटी जूती के साथ बेचारा पूरे इधर फेर रहा हूँ, जूती मेरी टूट गई है जंप करते हुए। बस अली भाई भी पहुँचने वाले हैं, फिर मैं अपनी बारी आती है, फिर हम निकलते हैं। तो ये अली भाई आ गए। अली भाई का माशाल्लाह से वजन बहुत ज़्यादा है, तो ये सुकून से आ रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ की गाय। क्या बात है, परफेक्ट लैंडिंग, परफेक्ट लैंडिंग, परफेक्ट लैंडिंग, परफेक्ट लैंडिंग, वाह, परफेक्ट लैंडिंग हुई है जी, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग। हाँ, आवाज चल रही है ना। ये भैया जो हमें गाइड कर रहे हैं सारा, अब अवैस भी अवैस भी की बनाते हैं वीडियो। तो अवैस भी आ चुके हैं, खींचो इसको, खींचो नीचे वाला। इसको समझाया अभी था, अब इसकी पानी में डुबकी भी लगना लगने लगी, पानी में डुबकी लगने लगी। कमाल, कमाल की लैंडिंग, कमाल की लैंडिंग हुई है, कमाल की अखीर लैंडिंग यार। छोड़ दो, तो भाई पैरा साइलिंग कर ली है।
मैं मोबाइल सिर्फ अपना ही चलाया, अभी भी मेरा बंद ही पड़ा है, तो बाकी क्या नहीं लेते हैं। सबसे परफेक्ट लैंडिंग अली भाई की हुई है, लेकिन उससे भी परफेक्ट महेश भाई की हुई है। पीछे कपड़े कपड़े जैक कर शेक, उसके बाद मेरी भी लैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई है, लेकिन सबसे जो परफेक्ट लैंडिंग हुई है ना, वो महेश भाई की हुई है। ओए होए होए, मज़ा आ गया। वैसे भी एक डुबकी लगा ले अंदर, एक डुबकी लगा ले, खैर अब डुबकी लगा ले। चलो भाई, तो आप भाई महेश भाई को एक डुबकी लगानी पड़ी है, लेकिन अभी भी पीछे से कपड़े कोई इतने खास साफ नहीं हुए। बाकी शेख साहब मज़ा आ गया यार, पैसे पूरे हो गए। बाकी अब हम लोगों का आगे का एक और जगह का सीन बन रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया है, देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं बनता। तो भाई पहुंच चुके हैं जहाँ से हम लोग निकले थे। बाकी यार आप लोग की जब भी खानपुर हो, इसी भाई के पास आना, सेठ शाह बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको देंगे। बाकी अब हम निकलते हैं, अगर आगे का प्लान बन गया तो बन गया, वरना हम वापसी लौट के लिए शायद निकल जाए, या होटल बुक करा के आज शाम तक इधर ही रुक जाए, शाम को निकल जाए लाहौर के लिए। चलो अब सीधा चलते हैं गाड़ी तक, अब क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सारी रात भी नहीं सोए हुए, और अभी जो सा है देख लेते हैं। मबाली आइसलैंड का प्लान बन गया तो बन गया, नहीं तो लो तो निकलना ही निकलना, क्योंकि बाइक की ऐनक भी घूम गई है, इसमें पॉकेट में डाल के जिप बंद की थी, लेकिन जिप खुल गई इसकी प्रेशर की वजह से, क्योंकि डैम का पानी है तो ऐनक इसकी घूम गई है। और अब वो कह रहे हैं कि मेरे पहले ऐनक बनवानी, मेरा सब तक दूर है। बाकी अल्लाह जो मंजूर हुआ, जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही होगा, जो प्लान बनना हुआ वो बन जाएगा, तो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो भाई मोबाइल आइसलैंड का प्लान नहीं बना, क्योंकि वो सिर्फ फैमिली के लिए जगह है। तो अब जो है हम लोगों ने बनाया है नथिया गली का प्लान, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं हम निकले हुए हैं, तो पूरा एक दिन पूरा अपना लगा के ही जाएँ, सुकून से अपना माइंड रिलैक्स करके जाएँ, क्यों शेख साहब मज़ा फुल आ रहा फिर ऐसा ही है। जैसे आपको से तो इनकी लग रहा है कि ये फुल टूल हुए हैं, मैं भी टूल हुआ हूँ, पीछे वाला तो पूछो ही ना, ऐसे ना होने की वजह से वो तो सोने की तैयारी में। बाकी अब मैं भी आपको सीधा जाके नथिया गली ही मिलूँगा, उससे पहले जब भाई के ग्लासेस बनवानी है उस जगह पे हम रुकेंगे, तो उधर भी आपको थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह मिल जाएंगी। बाकी जो हमसे नथिया गली जाके मिलेंगे, तब तक मैं भी थोड़ी देर के लिए हाथ लगा लूँ। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं नथिया गली। बाकी इधर मौसम यार बहुत मज़े का है, इस भाई की आने घूमगी भी है, इस भाई का मोबाइल डेड हो गया है, और मेरा मोबाइल पानी मैंने आपको बताया था पड़ा है, उसकी फेस आईडी उड़ गई, मतलब कि आज कुछ ना कुछ हम तीनों के साथ हुआ ही है। बाकी अल्लाह का शुक्र है सही सलामत पहुँच गए हैं, जान है तो जान है, मोबाइल नहीं आ जाएगा, ऐनक भी नहीं आ जाएगी, मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। बाकी जो उनसे अभी हम रूम वगैरह कोई ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद भी देखते हैं, चेयर लिफ्ट अगर खुली हो तो चेयर लिफ्ट में जाएंगे, वरना फिर हम लोग सो जाना है। बाकी इस वीडियो का मैं बनाऊंगा दो पार्ट्स, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया वीडियो कम से कम भी 30 से 35 मिनट की तो बन चुकी है अभी तक। बाकी अब नीचे जाके देखते हैं, अभी ऊपर आया, ऊपर तो बहुत ज़्यादा रेट आई है, क्योंकि ईद का तीसरा दिन है ना, 15,000 से नीचे कोई कमरे की बात ही नहीं कर रहा, तो नीचे जाके देखते हैं नीचे हमें क्या रेट वगैरह मिलते हैं। और बाकी आप भी बाहर मौसम चेक करो। हाँ जी, तो भाई रूम में आ चुके हैं, रूम हमें मिला 6,000 रुपये का, तो क्या नहीं लेते हैं। बाकी बाहर से आपको भी व्यू दिखाता हूँ होटल का, और ठंड बहुत है, तो स्वेटर वगैरह पहन लिया। तो अब जोन से खाने पीने के लिए जा रहे हैं बाहर, लेकिन उससे पहले तैयार होना है, अब जरा तैयार त्यूर हो गए, फिर निकलते हैं आगे के लिए, माल रोड पे जाते हैं। मरी में हमारा स्टे हुआ है, नथिया गली में हमारा प्लान था, लेकिन नथिया गली में रेट्स ही बहुत ज़्यादा थे,
होटल्स के 15,000-18,000 इधर हमें बहुत मुनासिब मिल गए, क्योंकि इनके पास हम पहले भी आते रहते हैं। बाकी अब तैयार होते हैं फिर चलते हैं। अभी सबके मोबाइल उधर चार्जिंग पे लगे हुए हैं, मेरे मोबाइल की भी 1% चार्जिंग है। और मैं ये इन लोग अब मैं अपना मोबाइल इधर चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, इन लोगों के मोबाइल में अपने ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूँगा। तो भाई तैयार वगैरह हम हो गए हैं, केसा भी तैयार हो गए, अब हम जा रहे हैं मार रोड पे मरी में खाना वगैरह खाने के लिए। तो नीचे जाके आपको दिखाते हैं कि कहाँ से रोटी वगैरह खाएंगे, और बाकी सीन कार्ड भी आपको दिखाएंगे। रश तो बहुत ज़्यादा, बाकी यार व्यू चेक करो, मतलब बंदे के पैसे पूरे हो जाते हैं इधर आ ऐसा ही। और ठंड बड़े मज़ेदार है, बहुत मज़े की ठंड है, ये नहीं कि चुभने वाली ठंड है, मजेदार है, एंजॉय करने वाली ठंड है। ये रश है, सारी आवाम ही जैसे मरी है एरिया, पहले तो गाड़ी के साथ बम्पर टू बम्पर लगा हुआ था, अब हथों के साथ भी बंदे लगे हुए हैं। भाई बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। तो यार ये रेस्टोरेंट हमारा डिसाइड हुआ है खाना खाने के लिए, बाकी क्योंकि इसकी तारीफ भी बहुत सुनी हुई थी और पहले भी हम खा चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग इधर खाना खाने के लिए आ गए। हाँ जी, तो उस्मानिया रेस्टोरेंट हमारा डिसाइड हुआ है, भाई ने ऑर्डर कर दिया है चाइनीज़, हम लोग खाने लगे हैं। बाकी रेस्टोरेंट का इंटायर लुक तो बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी रश बहुत ज़्यादा और थक भी हम बहुत गए हैं, खाना खाना है सीधा कमरे में जाके सो जाएंगे, बाकी का लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी खाना वगैरह खा के तो कमरे में जाके तो एंड करते हैं थोड़ा सा। बाकी यार जब भी आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आएँ तो वो अपनी ग्लासेस लाजमी संभाल के रखना, क्योंकि इस भाई की ग्लासेस कमी है और अब कहीं से भी नहीं मिल रही, अब कल इस्लामाबाद से ही जाकर बनेंगी इसकी ग्लासेस। तो भाई खाना हमारा आ चुका है, ये ऑर्डर किया हमने, हम जल्दी से ये खाते हैं और सीधा कमरे को धोते हैं। देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है, भाई खा के पता लगेगा कैसा। हाँ जी, तो भाई खाना वगैरह खा लिया, अब जा रहे हैं सीधा होटल में। शेख साहब खाना कैसा था? बहुत अच्छा था। हाँ जी, वैसे मतलब यार जितनी हमें भूख लगी हुई थी उस लिहाज से बेहतरीन हमें खाना मिल गया। बाकी अब होटल जाते हैं, होटल जाके रेस्ट वेस्ट करते हैं थोड़ी देर। हाँ जी, तो भाई ये मेरा होटल है, इसका आपको सुबह के टाइम दिखाऊंगा, क्योंकि इसका बहुत प्यारा है, लेकिन सुबह के टाइम ही दिखा पाऊँगा। बाकी हम चलते हैं कमरे में, कमरे में जाके ना मेरी नमाज़ें हैं, सर मगरिब कज़ा हो गई है, वो पढ़ते हैं, फिर साथ इशा का वक्त है अभी, तो इशा भी पढ़ के ना फिर सोने के लिए ले लेंगे। हाँ जी, तो नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है, बाकी ये दोनों साहब सोने लगे हैं, ये दोनों सो गए फुल घोड़े बेच के, तो अब मैं भी सोने लगे कपड़े वगैरह चेंज करके। बाकी जो सब लोग मैं कल घर पहुँच के ही एंड करूँगा, और इस ब्लॉग का जो है ना मैं तकरीबन कोशिश करूँगा 2 या 3 पार्ट्स में इसको डालूँ, बल्कि ये तो अब मैं एंड में आके बोल रहा हूँ, ये तो मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं था आइडिया कि इतना लंबा ब्लॉग हो जाएगा। बाकी जो उनसे है अल्लाह खैर करे, सब्सक्राइब लाजमी करना आप लोगों ने, अब पैसा बहुत लग गया ठीक है, और लाइक्स भी आने चाहिए। बाकी मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया इसी चक्कर में, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह, अभी तक अभी के लिए शबा खैर। तो भाई गुड मॉर्निंग, तैयार त्यूर हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं लोगों के लिए, शेख साहब भी तो रेडी हो गए हैं, इसका खाना नहीं अभी ख़त्म हो रहा, हम तैयार हैं और हम निकलते हैं सीधा लाहौर के लिए। तो जी ये हमारे होटल का व्यू था, बाकी अब पहले ये होटल नहीं था, ये शीशे वाला है ना शेख साहब, ये पहले होटल नहीं था, ये अब बना है। बाकी जैसे बहुत प्यारा व्यू आता था पीछे की तरफ, सारे पहाड़ नजर आते थे, लेकिन अब ये
बन चुका बाकी अब जरा तस्वीरें तस्वीरें खींच ले फिर निकलते हैं अपनी घर को। तो भाई इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, ये इस्लामाबाद का टॉप व्यू आ रहा है। एक साहब कहाँ से नाश्ता करा रहे हो? देखते हैं अभी, देखते हैं। चलो देखते हैं कहाँ से नाश्ता करना है, फिर नाश्ता करके मोटरवे पे चल के सीधा घर। हाँ जी, तो भाई पहुंच चुके अपने लोकेशन पर इस्लामाबाद सेंट्रल मॉल के बिल्कुल अपोजिट है ये फ्लेमर रेस्टोरेंट, यहाँ से आप खाना खाएंगे। अभी शेख साहब तो हमें बड़ी वीवीआईपी जगह पे लेके पहुंच गए थे हॉस्पिटल के अंदर, सीधे ही हॉस्पिटल में मिले गए घुस गए, ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है। अब हम पहुंच गए अपने लोकेशन पर, अंदर जाके उठ सकते। अच्छा जी, तो प्लान में हो गया थोड़ी सी चेंजिंग, फ्लेमेबल पे कोई भी नहीं था तो हम लोग ड्रीम से खाना खा रहे हैं, बर्गर्स वगैरह खा रहे हैं। इनके पास सिर्फ बर्गर्स वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, बर्गर्स की भी तारीफ सुनी है तो काफ़ी मज़े के लग रहे हैं देखने में, तो बाकी खाते हैं तो खा पी के देखते हैं कैसा टेस्ट है, फिर निकलते हैं अपने घर को, घर जाके हम लोग स्पेंड करते हैं। तो खाना वगैरह खा लिया, सीधा नहीं कर रहे हैं मोटरवे पे चढ़ने लगे, बस ठीक रीब है मोटरवे के, तो मोटरवे चढ़ के सीधे तो भी फिर अगर हम चुके थे पेट्रोल वगैरह डलवाया है, बाकी अब आगे निकले हैं ललियानी से, आगे हम पहुंच गए। बाकी इधर भी मौसम भी आज बहुत लकड़ी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लकड़ी बहुत तेज बारिश हो रही है, घर पर रखता है बहुत तेज बारिश हो रही है, असले में मरी चले गए, तरी मौसम बहुत अच्छा हो गया। बाकी जो है आप टाइम घर, क्योंकि हमने भी जल्दी जाना है एक दावत है उसमें हमने पहुंचना है, तो मतलब गाली ही बाहर है अभी, तो अगर हमने ट्रैक जब उधर उतरेंगे उधर पहुँचते आती ना हम लोग एंड कर दूंगा। थोड़ी बहुत मैं अभी क्लिप सुनाता हूँ, थोड़ा बहुत सूरज आई थे आगे, थोड़ा जाते हैं ना सूरज गया होता है और मौसम पंजाब वाला आता है जिस तरह हमारे घर वाले बता रहे हैं कि लोग इस तरह का मौसम होगा, तो उधर की मैं आपको क्लिप्स वगैरह आगे दिखाता हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लौट पहुँच चुके हैं जी, माशाल्लाह इस भाई ने 150 की स्पीड में हमें पहुँचा दिया, 12 बजे के हम निकले हुए, 4:45 बजे हम पहुँच गए पूरे लाहौर। क्यों वैस भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी शेख साहब, मजा आया इसकी ड्राइवरी से? शेख साहब मैं कैसे हो गया? मजा आया? हाँ जी भाई हमें तो बहुत मजा आया इस ट्रिप में, असल में सिर्फ हमें एक जल्दी थी, हमने दावत पे जाना था जिस वजह से हमें स्पीडो स्पीडी वापस आना पड़ा, वरना हमारा मूड था आज रात भी रुकने का। 2 बजे हाँ 2 बजे बल्कि इस्लामाबाद से निकले, 2 बजे इस्लामाबाद से निकले, 12 बजे तो हम उधर से निकले थे, खाना वगैरह खा के हम 2 बजे निकले, तो मतलब इसने 2.5 घंटे में हमें लाहौर पहुंचा दिया। बाकी अब चलते हैं सीधा जिधर हमारी दावत है उधर जाके मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड। भाई 150 की स्पीड पे भी चला गए हैं भाई ने, हमारा चलान भी बचवा लिया है, बड़ी बात है यार। 150-160 की स्पीड पे हम लोग उड़ते हुए आ रहे थे, बस जहाँ कैमरा आता था वहाँ पे 120 की स्पीड कर लेते थे। शेख साहब आपकी गाड़ी के चलान बच गए हैं, नहीं तो इसने पूरा सोचा हुआ था चलान खिलवाने का, बाकी शुक्र है भाई सस्ते में निपट गया। तो जी हम पहुंच चुके हैं घर, बाकी ये मेरा बच्चा छोटा ईसा नाम है इसका, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज़। और जो सा जो हमें पर हेड पड़ा उस तरह का पर हेड पड़ा कि हम 3 बंदे के बच्चे, बाकी हमें बंदा थोड़ा ही पड़ना है, बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को 3-4-5 में लगाऊँ, तो क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, क्योंकि पैसे बहुत लगे हैं इस पर, व्यूज़ और लाइक से ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।